वेलकम टू संभावना न्यूज एंड पूनम शर्मा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रसायन और उर्वरक मंत्रालय 4 से 10 अक्टूबर 2021 तक अपना प्रतिष्ठित सप्ताह आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम के तहत पूरे देश में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग स्टोरी ऑफ फार्मा एट 75 फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज विषय के साथ प्रतिष्ठित सप्ताह मनाया जाएगा। मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत समारोह के हिस्से के रूप में रसायन और उर्वरक मंत्रालय सोमवार से शुरू होने वाले अपने प्रतिष्ठित सप्ताह का जश्न मनाएगा, जिसमें कई गतिविधियों की योजना है। मंत्रालय ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 10 अक्टूबर 2021 को देश भर के 750 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर स्वास्थ्य जांच शिविर और प्राथमिक चिकित्सा किट का मुफ्त वितरण करेगी। ये जन औषधि परिचारा भी आयोजित करेगा, जहां कई हितधारक जेनेरिक दवाओं पर जागरूकता फैलाने के लिए डॉक्टरों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, नर्सों, फार्मासिस्टों, दवा अधिकारियों आदि के साथ बातचीत करेंगे। ये कैंप देश भर के 74 जिलों में आयोजित किए जाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की एक पहल है, जो भारत के प्रगतिशील 75 साल और लोगों, संस्कृति के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए है। दरअसल आजादी का अमृत महोत्सव भारत की आजादी की 75वीं वर्ष मनाने के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाई जा रही है। इस महोत्सव के तहत जन भागीदारी बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए राष्ट्रगान से जुड़ी ऐसी ही एक अनूठी पहल शुरू की गई है, ताकि सभी भारतीयों में गर्व और एकता की भावना भरी जाए। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।